क्या इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी के बाद पेशेंट एकदम से ठीक हो जाता है या तो आउटकम कैसा रहता है? कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले करीब करीब 5 साल 10 साल पहले जो इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा डूरल हिमाटोमा का था, जो एक सेटिस्फाइंग सर्जरी होते हैं। एक्स्ट्रा डूरल हिमाटोमा ऐसा होते हैं कि जो निकालने के बाद विदिन टाइम, ये सर्जरी होने के बाद जो है पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता था। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसीज होते हैं, दैट इज नथिंग बट स्ट्रोक एंड सबडूरल हेमाटोमा। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन पे पेशेंट को जिस कंडीशन पे लाया जाता है या तो जिस कंडीशन पे पेशेंट ऑपरेट होते हैं, उस कंडीशन वो जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रोक का अपना जो आउटकम है या तो प्रोग्नोसिस जो है इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है मतलब अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है और उसका सर्जरी का ज़रूरत है, मतलब ये स्ट्रोक काफ़ी सिग्निफिकेंट है, या तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गया है और या तो खून नहीं जा पा रहा, इसकी वजह से बड़ा सा स्ट्रोक हो गया है जिसके लिए ब्रेन पे बहुत सारा दबाव है। और इस केसेस में हमको जो प्राइमरी सर्जरी डिकॉम्प्रेसिव क्रेनियेक्टोमी बोलते हैं वो अगर करने का ज़रूरत होते हैं, तो वो सर्जरी का पर्पस होते हैं टू प्रोवाइड लाइफ सेविंग यू नो ऑप्शन। इट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी, उसका पर्पस इमीडिएट रिकवरी और बहुत ही विदिन यू नो 1 वीक और 2 वीक्स न्यूरोलॉजिकल रिकवरी का नहीं होता है। अगर मान लो कि पेशेंट एकदम भी कोमाटोस कंडीशन पे था, न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स डाउन था, सर्जरी होने के बाद 1 ग्रेड या 2 ग्रेड ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इमीडिएटली हाथ पैर हिलाने लगेगा, बात करने लगेगा तो कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है। विथ टाइम बहुत सारे केयर देने के बाद, आप न्यूट्रिशन से स्टार्ट करके, फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करके, बाकी जो सिस्टमिक कंडीशन है हार्ट का, लंग का, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, लीवर का, कुछ भी अगर कंडीशन है, इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट्स को कभी कभी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स ए स्ट्रेस। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो होते हैं अच्छे से होने के बाद, देन वी स्टार्ट सीइंग द रिकवरी फेज। ठीक है, एलोंग विद दैट, तो ये कोई इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि स्ट्रोक या तो एक्यूट एचडीएच जिसमें पेशेंट का हालत अच्छा नहीं था, उसमें सर्जरी के बाद पेशेंट ठीक से, मतलब फटक से ठीक हो जाएगा, पेशेंट इमिडिएटली ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, लेकिन ऑपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा बॉर्डरलाइन कंडीशन है कि पेशेंट का ऑपरेशन इसलिए हो रहा है कि पेशेंट का हाथ में या पैर में कमजोरी आ गया है, उस टाइम पे इतना अच्छा, मतलब इतना ख़राब रेस्पॉन्स नहीं था, तो सर्जरी के बाद भी रेस्पॉन्स खराब होने का चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो रिकवरी का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर सर्जरी के टाइम पे ब्रेन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन था और पेशेंट का हालत इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें ऑलरेडी ब्रेन का और मतलब न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस है ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें रिकवरी होने का बहुत टाइम लगता है। कभी डिपेंड करता है, किसी में मंथ्स, किसी में मतलब और उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ महीने से या तो कुछ 1-2 साल भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन जो आंसर है वो वही है, इमरजेंसी न्यूरोसर्जरी अगर आप स्ट्रोक या तो एक्यूट ब्लीडिंग का बात करें, इसका इमीडिएट रिकवरी इतना अच्छा नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सबके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, या तो मेरा ईमेल पे आप वो जो आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप लिख के भेज सकते हैं, मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा।